कि जब किसान नहीं क्रॉप पाए तो गवर्नमेंट ने फिलहाल उनको प्रोक्योरमेंट करने नहीं दी, बल्कि जो हम प्रोक्योरमेंट करते थे जो गाड़ियाँ आती थी वो गाड़ियाँ पकड़ के सेंटर पर ले जाते थे। इवन के मेरे खुद जाती जो गरीब फार्म है वहाँ से जो कदम आई मेरी मिल में आ रही थी वो भी वो सेंटर पर ले जाकर उन्होंने अनलोड कर ली। उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे थे उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप बीट स्टॉप कर रहे, पर उस वक्त तक के लिए खेत चुप चुकी थी, मार्केट में गंदम नहीं थी, पर जो थोड़ी बहुत मिली मामूली तादाद में वो कुछ मिलू नहीं थी, 0.10% मिलू नहीं। पिछले साल हमारे पास स्टॉक का 22 लाख टन जो फ्लाट मिल रहे हैं, प्राइवेट स्टॉक 22 लाख टन था, इस वक्त सारे पंजाब की मार्केट में उनको मिला के 1 लाख तक की स्टॉक नहीं होगा। और पिछले साल और पंजाब के पास 40 लाख टन फीड थी और इस साल उन्होंने 40 लाख टन फीड परचेज की और 1.5 लाख टन इनके पास पिछड़ा कैरी पार्कर था और उसमें से इन्होंने 9 लाख टन फीड अब तक इशू कर दी है। पिछले साल इन्होंने अपना कोटा 20 अगस्त से शुरू किया था, मगर इस दफा प्लाटिन को ना लेने की वजह से इन्हें अपना कोटा 7 जुलाई को शुरू करना पड़ा और 9 लाख टन फीड जो है वो मार्केट में जरूरत नहीं होती है, प्लाटिन के पास अपना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से सूरत में गंदम की शॉर्टेज हो गई और स्टॉक कम हो गए। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है 10 लाख टन गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट जो है 15 लाख टन कर रही है। अब ये सारी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है जिसकी वजह से ये इन्हें 15 लाख टन वीट इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। अब आठ वाक्य हुआ जो इतनाई काबिल मजम्मत है और हमारे लिए जो हमारी इज्जत उछाली गई, फ्लोर पर उनकी इज्जत उछाली गई, ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है कि आज सुबह 6 बजे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया फ्लोर मिलों में गई, उनकी लेबर को बाहर निकाला और मिले सील कर दी जो और उनका स्टॉक स्टार्ट था, मगर इसके बावजूद फ्लोर मिलर जो है वो साबित कदम रहे और उनको एहसास हुआ हम किसी अफसर के पास मिलने नहीं गए, उन्होंने हमारी मिले भी सील करनी पड़ी, मगर ये कब तक चलेगा, ऐसे इस तरह नहीं चलेगा। फ्लोर मिलर की बिजनेस बैंक की जब इज्जत नहीं चलेगी तो फ्लोर की इकॉनमी कैसे चलेगी। इस गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, रोज ऐसे इकदाम करते हैं जिससे मजीद खराबी पैदा हो रही है। आटे का जो मामला है ये सारा जो दुकान है ये गवर्नमेंट का खुद पैदा करना है, खुद उनकी पॉलिसी है, प्लाट है और 20 महकमे जो है हमारी मिलें चेक करते हैं, हमारे स्टॉक चेक करते हैं, उसके बावजूद हमें जुर्माने करना है। और आज जो इंतहा हो गई कि मिलों को सील कर दिया गया, यार ये मिलें हमारा रोजगार है, हमारे बच्चों का रोजगार है, हमारा घर है, हमारी इज्जत इस तरह खराब करेंगे तो ये भी जलील होंगे। आप ये देखें फ्लाट मिलर को रोज गलत पॉलिसी बनाते हैं और आटे का दौरान बढ़ता जा रहा है। अब आप देख लेना, मैं बिफोर टाइम कह रहा हूँ 15 लाख टन गंदम मंगवाएंगे और फ्लोर मिलर वो अपने पास स्टॉक नहीं करेंगे, जो आज का अमल हुआ इसके बाद हम गंदम फ्लाट मिल में स्टॉक नहीं करेंगे और आटे का फिर दौरान पैदा होगा जो ये पूरा नहीं कर सकेंगे और इनको फिर 15 लाख टन और मंगवानी पड़ेगी। ये सारा ज़र मुबादला अपनी गलत पॉलिसी की वजह से ज़ाहिर कर रहे हैं और मुल्क इसी बीट की वजह से भी इसी बीट की इम्पोर्ट की वजह से दौरान का शिकार हो जाएगा। मैं आज का जो वाक़ है फिर उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं अपने फ्लोर मिलर को हवाले से इतनी बड़ी ज्यादती उन्होंने बर्दाश्त की और मैं अपने भाइयों के साथ यकजहती के लिए लाहौर से यहाँ आया हूँ और ये हाई तकलीफ वाक़ था और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जो है वो होश के दाखिल लेगी और आइंदा इस तरह का कोई वाक़ रूनुमा नहीं होगा।